हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। तो आज आप सब लोग हैरान होंगे कि हम लोग खड़े होकर क्यों वीडियो कर रहे हैं। तो आज हम एक स्पेशल वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं और वो है नेशनल एंथम ऑफ बोथ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अब नॉर्मली ये है कि नेशनल एंथम्स तो हमने सुने होते हैं दोनों कंट्रीज के, तो पहले जब इसकी कुछ सजेशंस आए तो हम सोच रहे थे कि ये तो मतलब सुने हैं ना, उसमें क्रिकेट भी मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम्स चलते हैं। लेकिन इसमें जब वीडियो हमने देखी यानी उसका टाइटल देखा तो उसमें था पाकिस्तान एंड इंडियन नेशनल एंथम सॉन्ग बाय आर्टिस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग थी। एग्जैक्टली। मतलब बड़ा अट्रैक्ट किया इस चीज़ ने कि यार दोनों कंट्रीज के लोगों ने मिलकर नेशनल एंथम पढ़ा हो। ये कोलैबोरेशन आ रही है इस, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये जो आर्टिस्टिक हमारा एक लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं दोनों साइड के, उनकी कोलैबोरेशन हमेशा चलती रहती है, जैसा भी हो, अप्स एंड डाउन्स रिलेशंस में जैसा भी आए। तो सिंगर्स और एक्टर्स जो है ये क्रॉस बॉर्डर आते जाते रहते हैं। जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वहाँ से आते हैं लोग, जब यहाँ वहाँ कोई होता है तो यहाँ से इन्वाइट किया जाता है लोगों को। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट चलता है, कुछ ना कुछ वो पॉजिटिविटी रहती है, पीस की जो होप रहती है ना वो खत्म नहीं होती। Exactly. जब वो वहां से लोग आते हैं और यहाँ से उनका पब्लिक इंटरेक्शन होता है तो पॉजिटिव चीज क्रिएट होती है। जब यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे मतलब दोनों साइड पे फैंस फॉलोइंग है तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट रहती है। ये भी उसी से रिलेटेड एक वीडियो थी, मतलब आर्टिस्ट ने मिलकर किया हुआ, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज लगा हमें, तो हमने कहा ओके हमें देखना चाहिए। और अब नेशनल एंथम्स हैं तो बैठ के तो हम नहीं देख सकते, सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम्स हमने सोचा कि कोई बात खड़े हो जाएंगे। और मुझे अभी भी याद है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो मैं मतलब कोशिश करता था टाइमली मैं पहुंच जाऊं टीवी के आगे, और जो नेशनल एंथम वाला सीन होता था ना वो मुझे लाजमी देखना होता था, बड़ा अच्छा लगता है वो सीन। वैसे ही नेशनल एंथम अपील करता है, पूरा एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा बना होता था, पूरी ऑडियंस खड़े होके दोनों कंट्रीज के टाइम पे पूरी ऑडियंस खड़ी रहती है, ये बड़ा पॉजिटिव रिस्पेक्ट देते हैं। एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट देते हैं दोनों कंट्रीज को, ये बहुत पॉजिटिव। असल में स्पोर्ट्स हो गए और ये इस तरह की जितनी भी बाकी एक्टिविटीज हैं वो बहुत करीब लाती हैं और बड़ा पॉजिटिव इमेज होता है उनसे। सो गो टू द वीडियो। एग्जैक्टली। ओके लेट्स सी स्टार्ट। 1 2 3 गो। Sarzami Shahbad Keshwari Haseen Shahbad Tu Nishan-e-Azm-e-Ali-Shan Arz-e-Pakistan Markaz-e-Yakeen Shahbad कमाल तर्जमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साया खुदाए ज़ुल्जलाल गंगा विंध्य हिमाचल
लगा था। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 Let's stand together for peace. Exactly. Okay, कैसा लगा? I think बहुत मुझे एक चीज फील हुई है कि जो एक पेस था ना साउंड वो बहुत स्मूथ था दोनों साइड पे, बिल्कुल सेम यार। मुझे smooth, मैंने पहले भी वीडियो देखी है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। So that's so touchy, मतलब दोनों साइड के जो आर्टिस्ट हैं वो मिक्स होके तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कंपोज किया। और ऐसे लग रहा था कि मतलब दोनों दफा पूरे दिल से वो अपना ना वो दिल से बोल रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही यार, आप सबसे अपील है कि मतलब इन दो नेशनल एंथम्स को ना कंपेयर ना कीजिएगा एटलीस्ट, मतलब हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे हम एक तो मेरी कंट्री का मुझे इसलिए तो बहुत पसंद है, हर बंदे को होता है, लेकिन मुझे इंडिया का भी नेशनल एंथम बहुत पसंद है। मतलब इसकी टोन और सब कुछ बहुत प्यारा बना, इसमें वो देखे वो पूरी अपनी ना कंट्री को एज ए होल कवर कर रहे होते हैं, डिफरेंट एरियाज के नाम बहुत अच्छा होता है। तो दोनों नेशनल एंथम्स बहुत प्यारे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, जिसने भी गाए हैं बहुत अच्छे। और हमें एटलीस्ट हमें हमारा ये ड्यूटी है, हमारा फर्ज है बल्कि, कि हम इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपेयर करने से ना जब आप एक दूसरे को के साथ कंपेयर करोगे तो एक को अच्छा कहोगे और एक को बुरा कहोगे, तो जब आप किसी के नेशनल एंथम को बुरा कहोगे तो दैट डजंट अपील गुड। मतलब अगर आप बुरा नहीं भी कहते तो कैटेगराइज करते हैं ना, अप डाउन बात करते हैं, तो वो इस जैसी चीजों पे नहीं आना चाहिए। जो नेशनल जो इसका मैसेज था हमें उस पे रहना चाहिए, लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर पीस। आई थिंक हमें पीस की बात ज्यादा करनी चाहिए। और हम इंडिया पाकिस्तान में ना हर चीज में कंपैरिजन में जाते हैं, हम आर्मी को देख लें, हम स्पोर्ट्स इवन क्रिकेट टीम को देख लें और छोटी छोटी चीजों पे कंपैरिजन शुरू हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली जब हम ये देखने लगे थे तो हमारे जहन में पहली चीज यही आई थी कि इसमें कंपैरिजन का फैक्टर आएगा जो कि हम नहीं चाहते क्या है, तो इसलिए भी हम थोड़े से डाउट में थे कि हम ये देखें या नहीं देखें, क्योंकि इससे पहले से हम एक चीज डिसाइड कर चुके थे जो बहुत पहले भी हमने बात की थी कि जहाँ पे कंपैरिजन आएगा वो हम वीडियो नहीं देखेंगे, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान का है या कुछ है। एक दो वीडियो ऐसी हमें सजेस्ट की गई जो हिस्टोरिक फैक्ट्स पे थी वो, बट मुस्लिम अगेंस्ट हिंदुइज्म की कुछ हिस्ट्री के बारे में लेकर थी, वो भी हमने इनकरेज करते हैं ऐसी चीज, बिकॉज वो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। हमारा पर्पस है जोड़ना, ना कि पुरानी या कोई भी बातें ऐसी कोई किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहते जिससे किसी भी किस्म का डिफरेंस क्रिएट हो, तो इसलिए उस तरह की जो भी वीडियोस आती हैं वो हम अवॉइड कर देते हैं। और इसको करते हुए भी हमें सिर्फ एक ही चीज थी कि कंपैरिजन ना आए, कंपैरिजन पे फिर पर्पस नहीं रहता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ऐसी वीडियोस ना सजेस्ट किया करें जिनमें कंपैरिजन आए, या जो मतलब हेट फैलाने के लिए कोशिश करें। मतलब ऐसे काफी सारे चैनल्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, जो सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजों पर रिएक्ट कर देते हैं। मतलब उससे क्या होता है, व्यूज ज्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारा कंटेंट ऐसा, मतलब लास्ट टाइम कुछ ऐसी सजेशंस आई थी जिसमें अब वो वीडियो का कंटेंट तो एंटी पाकिस्तान था ही था, कुछ ऐसे इश्यूज पे था ही था जो बिल्कुल मतलब गलत थे ही नहीं ऐसा कुछ जैसा उसमें था। उसके अलावा लैंग्वेज इस तरह की यूज की जा रही थी कि अब वो जिसने कमेंट किया उसने कहा भी है कि यार इसके फैक्ट्स बड़े ठीक हैं बट इसकी लैंग्वेज आपको चुप सकती है, सिंगल सिंगल तो मतलब ऑन द होल हमें ऐसे सजेस्ट ना किया करें, क्योंकि हम इन वीडियो पे रिएक्ट करते नहीं है। जब आपकी बहुत ज्यादा सजेशन आ रही होती हैं तो फिर हमें यार इस तरह के मैसेज देना पड़ता है कि प्लीज ऐसे वीडियोस हमें ना सजेस्ट करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस पे रिएक्ट नहीं करेंगे जो जरा डिस्क्रिमिनेटरी हो एक के लिए, या एक कंपैरिजन क्रिएट करती हूँ एक दूसरे को, या इंडिया को या पाकिस्तान को बुरा भला करती हूँ, तो फिर इससे चैनल का पर्पज खत्म हो जाता है। अगर हाँ बाकी चैनल्स करते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी, आप उन्हें जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक एम है, एक गोल है चैनल का कि हमने किसी एक एम को प्रोलॉन्ग करना है, आगे लेकर चलना है, उस एम से फिर हमें हटना नहीं चाहिए। Exactly. तो यही मैसेज, इस वीडियो को आप यहाँ पे करके एक यही मैसेज दें कि वी हैव
टू प्रमोट पॉजिटिविटी कंबाइन करना है, और इस वीडियो का जो पर्पस था वो बेसिकली यही था, ये यूनाइट कर रही थी कि दोनों साइड के आर्टिस्ट एक दूसरे का इतने अच्छे तरीके से नेशनल एंथम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है दे आर यूनाइटिंग अस, तो इसी पे हमें रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पीपल ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका पॉजिटिवली हमें यूटिलाइज करना चाहिए। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होने से पॉजिटिविटी पैदा होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, तो हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या टेक है इस पे हमें जरूर कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सबके साथ, बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी वीडियो है, पीस फैलाने वाली वीडियो। एग्जैक्टली, सो आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, और फर्दर कोई भी सजेशन अगर आप हमें देखने चाहें तो जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी अगर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहें या हमें फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।